वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. और आज डेट है 29 मार्च है क्या? अच्छा. और मैं अभी आई हूँ ऐसे टहलने. वहाँ डिपार्टमेंट में ही हूँ, बाहर नहीं हूँ. बाहर तो जाना ही नहीं है, रिक्स क्यों लेना बाहर जाके. और बस ये नर्सरी में आए हैं. बाबू भी है, राहुल जी भी हैं. अच्छा खासा धूप हो रखा है, बट ठंडा सा बहुत अच्छा अच्छा हवा भी चल रहा है. देख सकते हैं कितना प्यारा है ये नज़ारा, है ना? दिखाती हूँ मैं राहुल जी और बाबू को आपको. बाबू, बाबू बेटा जी हो. कुछ लाना चाहिए था ना आपको, बिस्किट लेके आना चाहिए था ना. अब आएंगे तो बिस्किट लेके आएंगे. कितना खिलाना होता है? 4-5 डेली. ओके. हेलो 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 हेलो. वो वाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देख सकते हैं इसमें मछली है. Hey guys, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं मॉर्निंग के टाइम पे. ये मेरे घर के जस्ट मेरा घर है. मेरे घर के पीछे का ये है और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे करके पॉन्ड टाइप का बना हुआ और इसमें पानी और इसमें मछली डाला हुआ है. ये मछली खुद से नहीं आया, ये मछली इसमें जो नर्सरी में जो भी लोग काम करते हैं ना, उन लोगों ने इसमें मछली डाला है. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में. यहाँ मैं आती हूँ ना सुबह में, तो बड़ा सुकून मिलता है मुझे यहाँ पे. और यहाँ पे एक्चुअली इसके मेरे घर के साइड से सब्जी रोपी हुई हूँ मैं, जैसे बैंगन है, टमाटर है, धनिया पत्ती है, लाल वाले साग है. ये जो राहुल जी खड़े हैं यहाँ पे, लाल वाला साग पूरा रोपा हुआ है. तो कि चलो मतलब आप एक मार्केट से सब्जी लीजिए वो, और जो घर का जो उपजाया हुआ सब्जी रहता है ना, विदाउट खाद पानी, खाद का पानी तो पड़ता ही है, तो वो सब्जी का टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो. तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सब्जी हमारे मतलब सुविधा है तो निकाल ही सकते हैं, और जिनको नहीं सुविधा वो कहाँ से निकाल सकते हैं. तो उधर जो आपको एक येलो कलर का घर दिखा वो मेरा ही है. सो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब मेरे घर के जस्ट सामने है, तो आगे से नहीं कि ये पीछे वाले से सामने पड़ता है मेरा घर का. तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा ऐसे सुबह में मैं आती हूँ, डेली सुबह में आने की कोशिश करती हूँ. कभी काल होता है नहीं आ पाती वरना आती हूँ. तो चलिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए. वीडियो थोड़ा ही पसंद है तो मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस. और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर बिकॉज ये दूध वाले दूध लेके आए हैं. आप देख रहे हैं कि इन्होंने भी मास्क पहना हुआ है, तो ये भी दूध लेके आ रहे हैं. तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरा टमाटर दिखाती हूँ. चलिए
ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर बैगन पका रही हूँ। बैगन को मैंने छील लिया है और ऐसे मैंने कट कर लिया है, नहीं तो बैगन बहुत सारा हुआ निकलता है। तो ऐसे करके मैं बैगन को तवा पका रही हूँ और इसे मैंने ऑयल डाला है। और एक साइड मैं टमाटर पका रही हूँ। और ये सब करने के बाद मैं कर रही हूँ पूजा। सो ये देख लीजिए, ये मॉर्निंग का पूजा है। सो जय माता दी आप सबको। नवरात्रि चल रहा है, बहुत लोगों ने फास्ट किया होगा, तो माता रानी का दिन है, सब कुछ अच्छा हो जाए। जो भी टेंशन इतने लाइफ में चल रहे हैं सबके, सबका अच्छा हो जाए। तो बस ये पूजा कर पाठ करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लंच में क्या क्या बनाया है। हे गाइस, ये मैंने आलू परवल का सब्जी बनाया है, और इधर मैंने बैगन टमाटर का भरता जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं पका रही थी, और इधर मैंने बनाया है चावल, और उसके बाद मैंने बनाया है दाल। तो बस आज का यही लंच मैंने बनाया है, बहुत सिंपल सा है। और लंच वंच खाने के बाद मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, और ये दही है। और आराम करने के बाद जब मैं शाम में उठती हूँ तो राहुल जी बोलते हैं कि शेविंग कर लेता हूँ, तो मैंने ठीक है शेविंग कर लीजिए। तो बाहर आंगन में बैठ के शेविंग कर रहे थे, और यहाँ मैं कपड़े उतार रही थी। मैं सोची कपड़े उतार के फोल्ड कर देती हूँ, तो बस कपड़े ये वाला जो भी सूख गए थे मैंने कपड़े ले लिए। बाबू यहाँ पर बहुत बदमाशी कर रहा है, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। और ये सब करने के बाद मैं करूँगी डिनर की रेडी। तो मैंने चाय वाय पी लिया था, अभी राहुल जी से मैं बातें कर रही थी। और ये है डिनर के टाइम का, जब हम डिनर बना रहे थे तो डिनर में मशरूम की सब्ज़ी बना रही थी। वहाँ पे मैं मतलब मुझे मशरूम का सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को पता ही है ना। तो ये मैं शिमला मिर्च प्याज डाल के और बिल्कुल खड़े मसाला डाल के मैंने सब्ज़ी बनाया। चलिए डिनर करते हैं, उसके बाद मैं बातें करती हूँ आप लोग के साथ। तो मेरा डिनर हो चुका है, और फिर मेरा किचन क्लीन भी हो चुका है, मैं सब कुछ कर चुकी। जो मेरा नाइट क्लीनिंग का रूटीन है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आपको दिख रहा होगा किचन मेरा बिल्कुल साफ है। और अब मैं जा रही हूँ सोने, दवाई खाऊंगी, सोऊंगी। बाबू सो चुका है और ये ऐसे रखा हुआ, प्लीज़ इसको बाइंड मत कीजिएगा। और मैं बहुत थक चुकी हूँ आज, और मेरा पता नहीं क्यों आँख में जलन हो रहा है, मतलब बिकॉज सुबह से मैं थोड़ा सा भी सोई नहीं हूँ, आराम नहीं की हूँ, इतना ज़्यादा फ़ोन देखी हूँ ना इस वजह से। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। मिलती हूँ कल सुबह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरा न्यू चैनल देख रहे हो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ। बाबू सो गया है, राहुल जी अपना फ़ोन देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और बस मैं अब जा रही हूँ। वीडियो कल सुबह एडिट करके पब्लिश करूँगी, अभी तो एडिट नहीं करूँगी, ऐसे तो रात में एडिट कर लेते हैं, बट मैं अभी एडिट नहीं करूँगी क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। सो चलिए मिलती हूँ कल सुबह एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।